में जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फिल्मी अड्डा पर। दरअसल में आज मैं इस गाने को इसलिए गुनगुना रही हूँ क्योंकि आज मैं इस गाने की हीरोइन और बॉलीवुड की सबसे फेमस लेजेंड और सबसे ज्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस नरगिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल आज के हमारे इस प्रोग्राम में, यानी कि प्रोग्राम कलाकार और किस्से में जिक्र करने वाले हैं नरगिस जी के बारे में, जिनका असली नाम है फातिमा राशिद। जी हाँ, फातिमा रशीद नाम था इनका। और नरगिस किस तरीके से फातिमा रशीद से नरगिस बनी और नरगिस से किस तरह से वो बॉलीवुड की ऐसी टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में उन्होंने अपने नाम को शामिल किया, आज हम इसी पर एक नज़र डालने वाले हैं। दरअसल में नरगिस बचपन से ही, इन्हें देखा जाए तो डॉक्टर बनना चाहती थी, फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इनकी मम्मी जो थी, यानी इनकी जो माँ थी, वो हिंदी सिनेमा की एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी। हालांकि इनके पिताजी एक डॉक्टर थे, लेकिन मम्मी के कहने पर भाई नरगिस ने ठान लिया कि वो अब जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में, और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। चलिए उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारियां आपको दिखाते हैं। एक्ट्रेस नरगिस भले ही आज हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन वो अपने बेमिसाल एक्टिंग की वजह से आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि नरगिस का असली नाम फातिमा रशीद है। उनकी माँ इंडियन सिनेमा की जानी मानी सिंगर थी। बचपन में अपनी माँ के साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में नरगिस के नाम से कई किरदार निभाए, जिसकी वजह से उनका नाम नरगिस पड़ गया। नरगिस कभी भी एक फिल्म स्टार नहीं बनना चाहती थी। उनका सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, ठीक अपने पिता की तरह। लेकिन माँ की खुशी के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। महज 6 साल की छोटी सी उम्र में नरगिस ने बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लीड एक्ट्रेस के तौर पर नरगिस ने महबूब खान के निर्देशन में बनी फिल्म तकदीर से अपने करियर की शुरुआत की। तो देखा आप सभी लोगों ने, जी हाँ, नरगिस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ, अलग अंदाज से वो एक्टिंग किया करती थी, और महज 6 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड में कदम रख लिया था, और उसके बाद लगातार उन्हें फिल्में मिलती गई और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है ही कि हर लव स्टोरी, जी हाँ, हर कलाकार के साथ उनकी रियल लव स्टोरी के साथ उनकी रियल लव स्टोरी भी जुड़ी होती है। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ स्पेशल जानकारियाँ जहाँ पर हम जिक्र करेंगे नरगिस और उनकी अधूरी प्रेम कहानी, यानी कि राज कपूर के साथ जुड़ी कुछ खास और इंटरेस्टिंग बातें। देखें हमारी रिपोर्ट। फिल्म मदर इंडिया हिंदी सिनेमा की सबसे क्रांतिकारी फिल्म साबित हुई। फिल्म मदर इंडिया में कमाई के मामले भी कई रिकॉर्ड तोड़े। इतना ही नहीं, मदर इंडिया पहली इंडियन फिल्म थी जिसे ऑस्कर में बेस्ट विदेशी भाषा की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इतना नहीं, इस फिल्म के लिए 23 अक्टूबर 1957 में राष्ट्रपति भवन में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जिनमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस फिल्म को देखा भी था। साल 1958 में भारत सरकार द्वारा नरगिस को देश का 4th सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री दिया गया। इतना ही नहीं, नरगिस के सम्मान में साल 1993 दिसंबर में भारतीय डाक द्वारा नरगिस की तस्वीर वाला 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। बता दें, शादी के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की मदद से अजंता आर्ट्स कल्चर ट्रूप की शुरुआत की, जो देश की अलग अलग सीमाओं में जाकर सिपाहियों का मनोरंजन करता। इतना ही नहीं, नरगिस भारतीय मन बुद्धि और अपाहिज समाज की पहली संरक्षक बनी। नरगिस को समाज में उनके योगदान के लिए साल 1980 में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन बीमारी की वजह से वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और 1981 में उनका निधन हो गया। तो देखा आप सभी लोगों ने,
लेकिन कहते हैं ना कि जिनके नसीब में जो लिखा हो वही होता है। यही वजह थी और ये एक वाकई में सच्ची बात ही है। इसीलिए ऐसा हुआ है कि नरगिस जहाँ बेइंतहा प्यार करती थी, जहाँ बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो राज कपूर साहब से, लेकिन उनकी शादी हुई है, जी हाँ, संजय दत्त से। जी हो, जिन्हों जो कि इस समय पर देखा जाए तो उनके लव स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया, काफ़ी ज़्यादा उनके लव स्टोरी को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी होती हैं। देखिए, हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी रील और रियल लाइफ दोनों में ही काफ़ी हिट रही। नरगिस और राज कपूर का रिश्ता 9 साल तक चला, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो राज कपूर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया और उसी दिन से नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। राज कपूर से ब्रेकअप के बाद नरगिस की लाइफ में सुनील दत्त की एंट्री हुई। दोनों की पहली मुलाकात एक रेडियो शो में हुई, जहां सुनील दत्त बतौर रेडियो जॉकी काम कर रहे थे। मदर इंडिया के सेट पर आग लगी और नरगिस उसमें फंस गई। तब सुनील दत्त ने उन्हें अपनी जान पर खेल कर बचाया था। ये एक कहानी है, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त ने इन खबरों को लेकर पूरी तरीके से इन्हें खारिज कर दिया। दरअसल में सुनील दत्त का कहना था कि वो नरगिस को पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और नरगिस ने सुनील दत्त की बहन का इलाज करवाया था, जिनके पास सुनील दत्त को यह एहसास हुआ कि नरगिस सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार का ख्याल रख सकती हैं। खैर, बता दें आप सभी लोगों को, 11 मार्च 1958 को सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। तो देखा आप सभी लोगों ने, वाला आपको बता दें, जी हाँ, नरगिस जो कि अपनी लव स्टोरी, अपनी प्रेम कहानी, अपनी फिल्मों को लेकर तो चर्चाओं में रही है, लेकिन आज हम अगर बात करते हैं, अगर हम उनकी फिल्मों की जिक्र कर ही रहे हैं तो मैं स्पेशली तौर पर उनकी फिल्म मदर इंडिया का मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगी। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिस फिल्म के लिए नरगिस को, जी हाँ, नरगिस को सबसे बड़े पुरस्कार यानी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी के साथ साथ नरगिस को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। और जब ये फिल्म को कर रही थी तो इन्होंने एक हीरोइन से यानी एक उम्र से लेकर के एक बुजुर्ग महिला तक का इन्होंने किरदार, एक यंग लड़की से लेकर के एक बूढ़ी महिला तक के किरदार को इन्होंने निभाया था और यही वो उनकी एक्टिंग थी जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट साबित हुई। कहानी दमदार थी और उसके बावजूद, जी हाँ, उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में एक्ट किया था वो वाकई में काबिले तारीफ है। और शायद यही कारण है कि इतने साल हो जाने के बावजूद, इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। खैर, इसके अलावा जाते जाते आपको हम इन नरगिस से जिंदगी के साथ जुड़ी एक और ऐसी दर्दनाक बात बताने वाले हैं जिसे वाकई में आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल में नरगिस चाहती थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त की फिल्म देखे, यानी संजय दत्त की फिल्म रॉकी। अब सबसे ज़्यादा बुरी बात ये रही कि संजय दत्त की फिल्म रॉकी जहाँ 1981 में रिलीज़ हुई थी और फिल्म 7 मई को रिलीज़ हुई, लेकिन ठीक उससे कुछ दिन पहले 3 मई को नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नरगिस का कहना था कि भले ही मैं व्हीलचेयर पे जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे की फिल्म ज़रूर देखने जाऊंगी। लेकिन कभी भी उनका सपना ये नहीं पूरा हो पाया, जी हाँ, और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो ये थी दोस्तों हमारे बॉलीवुड की लेजेंड स्टार्स में से एक, यानी कि नरगिस, जिनकी ज़िंदगी के साथ, जिनकी लव स्टोरी के साथ और जिनकी प्रेम कहानी परिवार के साथ जुड़ी जानकारियां हम आपने आपके बीच साझा की। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल फिल्म अड्डा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।